फैक्ट नंबर वन, गूगल आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और आज के दौर पर सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होता है तो सबसे पहले वो गूगल में ही सर्च करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल का नाम दरअसल एक गलती की वजह से पड़ा था? जी हाँ, वास्तव में गूगल के फाउंडर इसका नाम GOOGLE यानी कि गूगल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई, ये बन गया GOOGLE जिसे हम लोग गूगल के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर टू, गाइस आप लोगों ने तो ये बात जरूर सुना होगा कि हमारे शरीर में खून दौड़ता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो कि हमें जिंदा रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में खून कितने तेज गति से दौड़ता है और पूरे दिन में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? चिंता मत करें, मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर में खून यानी कि ब्लड 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ता है और पूरे दिन में लगभग 9600 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब भारत से US यानी कि अमेरिका से भी ज्यादा दूरी तय करता है आपका खून। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस क्या आप जानते हैं कि एयरलाइंस ने अपने पायलट्स पर चाय कॉफी पीने से बैन लगा रखा है? लेकिन क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार एयरबस नाम की कंपनी का A330 एयरक्राफ्ट एक बार एक नॉर्मल फ्लाइंग कर रहा था और पायलट कॉफी पी रहा था। टर्बुलेंस की वजह से एयरक्राफ्ट हिलने लगा जिसकी वजह से उनकी कॉफी गिर गई कॉकपिट के ऊपर। मशीनों में कॉफी चले जाने के कारण बटन्स ने काम करना बंद कर दिया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इसी इंसिडेंट बाद से ही सारे पायलट्स के ऊपर फ्लाइंग करने के दौरान कुछ भी पीने से रोक लगा दी गई। अब आप जान गए होंगे कि पायलट्स पर चाय कॉफी पीने की बैन क्यों लगाया गया है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।